नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा सोना BLW स्टॉक के बारे में, सोना कॉमस्टर जिसको आप जानते हैं। अब कमेंट ये था कि भाई सोना कॉमस्टर, सोना BLW जो भी आप कह लीजिए, इसमें हुआ क्या है, 5% क्रैश हो गया ये स्टॉक, तो इसी के बारे में समझते हैं। एंड दो तीन और स्टॉक है जिनमें बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है आपको आज के सेशन में। पहला नाम है KRBL का और दूसरा नाम है कैंपस एक्टिव वेयर एंड तीसरा नाम है डिलीवरी। तो ये चार स्टॉक्स के बारे में डिटेल में समझते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बाजार आ गया 18,500, जो लेवल हमने आपके साथ शेयर करा था कि यहां पे आएगा तो लेने का मौका ढूंढने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भैया ले लें, क्योंकि जब नीचे नहीं आता है तब तो बहुत आसान होता है बोलना मेरी तरह कि 18,550 पे 500 सपोर्ट है, लेना चाहिए। अब 500 आ गया है, नीचे जा रहा है तो डर लगता है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, ये देखिए जो मेरा मतलब व्यू था ना कि इंडिया विक्स यार इतना नीचे आ गया, ये ऊपर आएगा ही आएगा। सुबह मैंने वीडियो शेयर करी थी 3.5% इंडिया विक्स दोबारा नीचे हो जाता है लगभग 11:30-11:30 के करीब पे। अब भी इंडिया विक्स 2% ऊपर हो गया है, 12:15 पे आ चुका है। ये इंडिया विक्स 13 तक आने दो, अभी भी 500 पे खरीदना है क्या? देखिए लेने के लिए हम ले सकते हैं क्या मार्केट में, अगर हम मल्टीपल में काम करते हैं तो देखिए 18,500 पे खड़ा है इस समय निफ्टी, 18,438 ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी अगर ब्रेक करता है तो फिर थोड़ी बड़ी डिप गिरावट आएगी, और स्पेशली एक्सपायरी से पहले ये डिप आ रहा है ना, तो वहां पे 18,500 पे वो कॉल राइटर तैयार हो रहे होंगे, अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे होंगे। तो पहला व्यू तो ये बन रहा है कि यार मैं खरीद लूं, और दूसरा व्यू बन रहा है कि मैं रुक जाऊं। तो जब भी मेरे को कंफ्यूजन होता है मैं रुक जाता हूं। तो मेरे लिए ना अभी दो दिन ज्यादा नेगेटिव हो गई है। पहला कि कंटिन्यू लोअर लोस लग रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, कोई रिकवरी नहीं आ रही यार, तो मैं वेट करूंगा 18,500 पे भी मैं अपना व्यू बदलूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा। ट्रेडर वही है जो सिचुएशन को देख के ले। मेरे लिए डाओ फ्यूचर्स अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब नहीं बनता यार लेने का, वेट कर लेंगे। हमारा व्यू सही निकल गया, पैसा नहीं बना अलग बात है, लेकिन हमने ले लिया पैसा नुकसान हुआ वो गलत बात है। तो व्यू ये है कि रुकना चाहिए अभी और, क्योंकि डाओ फ्यूचर्स डेज लो पे, इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हुआ है, 13 तक जा सकता है, और एक्सपायरी से पहले ये गिरावट थोड़ी डरावनी सी लग रही है। अब पहले तो सोना कॉमस्टर के बारे में बात करता हूं। देखिए आज के सेशन में ना दो स्टॉक्स में होनी थी ब्लॉक डील, HDFC लाइफ, सोना BLW। HDFC लाइफ में भी सुबह सुबह प्री ओपनिंग में हो गई 2068 करोड़ की डील जो मैंने आपके साथ शेयर करा था, बट स्टॉक उसके बाद 2% ऊपर है। वहां इंपॉर्टेंट ये कि वो जो अबार्डन है ना वो कंटिन्यू बेच ही रहा था, उसका ओवरहैंग था कि यार ये बेचेगा 1.66% रह गया है बेचेगा, उन्होंने कहा लो हम बेच रहे हैं, तो बाजार खुश हो गया, स्टॉक ऊपर भाग गया। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था क्रैश हो सकता है, लेकिन फिर एट द एंड मैंने कह दिया था नहीं यार ये पॉजिटिव भी ले सकता है बाजार, और पॉजिटिवली ही लिया। सोना BLW में भी एक ब्लॉक डील ही हुई है आज के सेशन में और गिरावट में हुई है, और ये रीजन है गिरने का। देखिए HDFC लाइफ की तेजी बेमतलब है और सोना BLW की गिरावट बेमतलब है, ये तो एक डील हुआ, एक सौदा हुआ, इसलिए स्टॉक नीचे है, वो भी एक सौदा हुआ तो स्टॉक ऊपर हो गया खुशी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब सोना BLW की बात करें, 506 रुपए पे ये ट्रेड इनिशिएट हुआ है, 1,026 करोड़ की ये बिकवाली है, 1,026 करोड़ की बिकवाली नहीं कहोगे आप ये कहोगे 1,026 करोड़ का सौदा हुआ है, ठीक है डील कह सकते हैं हम। अब सोना BLW 506 पे हुआ है, 507 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली स्टॉक ना अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है, 492 रुपीज का एक सपोर्ट बनेगा स्टॉक में, और डीप सपोर्ट है 460 का। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, 490-480 दो टाइम्स में मैं खरीदूं, 460 का स्टॉप लॉस रखूं, और टारगेट मेरा दोबारा 550 होगा। देखिए ये स्टॉक ना बहुत अच्छा लगता है एनालिस्ट को, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस को, बड़े बड़े दिग्गजों को, बट मेरे को इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम दिखती है, वो वैल्यूएशन। ईवी प्लेयर सब कहते हैं बहुत अच्छी बात है यार, 75 के पीई पे मिलता है ये स्टॉक, तो वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस स्टॉक को कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। अभी भी मैं यही कहूंगा अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक मेरे को नहीं लगता आप फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए लो। डेफिनेटली ये पैसा बना सकता है, 650 जा सकता है, 700 जा सकता है, पर फिर भी मेरा इंटेंशन इसमें यही है कि यार मेरे को जब सब चीज कंफर्ट नहीं देनी है तो मैं नहीं लूंगा, मार्केट बहुत बड़ी है मैं वहां स्कोप ढूंढ सकता हूं। तो ये तो हो गई बात आपके लिए सोना BLW पे। अब आ जाते हैं अगले स्टॉक KRBL। ये भैया 10% क्रैश हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया जो 10% की गिरावट है? दोस्तों हुआ कुछ नहीं है, रिजल्ट आए और रिजल्ट बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 205 करोड़ का प्रॉफिट, 118 करोड़ रह गया, 16.5% के मार्जिन 11.5% रह गए हैं, और यही रीजन है, और स्टॉक अच्छा खासा भागा हुआ है। तो हो गया करेक्ट 10%, अभी स्टॉक और गिर सकता है क्या? टेक्निकली थोड़ा वीक हो गया है स्टॉक, 375 का जो ब्रेकडाउन दे रहा है बड़ी गिरावट है, 340 तक स्टॉक विजिट कर सकता है, फ्रेश बाइंग एवरेजिंग दोनों अवॉइड करने की राय होगी। 340 के समथिंग स्टॉक आएगा तो वहां पे रिव्यू करेंगे, फ्रेश तब भी नहीं लेंगे, रिव्यू करने का देखेंगे। स्टॉक 2022 के मई में 200 रुपए से भागना शुरू हुआ था 450 तक, तो बहुत बड़ी तेजी बनी है,
तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी फ्रेश जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, ये मुझे लगता है। नेक्स्ट है कैंपस एक्टिव वेयर, 5.5-5.5% डाउन है। यहां भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक नाम है कंपनी, सबसे पहले तो रिजल्ट आए थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप करते हुए दिखे। दूसरा कंपनी नेम संजय छाबरा SCFO, तो इनके नए CFO आते हुए दिखे हैं और स्टॉक में करेक्शन है। अभी क्या करें क्या ना करें इसके बारे में देख लेते हैं, वह टेक्निकल लेवल पे कैसा दिख रहा है कैंपस एक्टिवर। वैसे बड़े स्टॉक्स जो है ना इस सेगमेंट से वो रिलैक्स हो, बाटा, सॉरी गाइस, वो लोअर लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो ये अच्छा चीज दिख रही है। बाकी अभी ये स्टॉक गिरना ही शुरू अभी हुआ है, बहुत पहले बहुत भागा हुआ था, अभी भी 100 के पी पे, तो फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करें, एवरेजिंग अवॉइड करें। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे अच्छा ही लगता है, कोई इशू नहीं दिखता है। लास्ट डिलीवरी, इसमें दो चीजें हैं, पहला सौदा और दूसरा सौदा ही है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो सौदे बहुत सारे हो रहे हैं इस स्टॉक में, स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा भागा हुआ भी है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। 330 से भागा था स्टॉक, अभी नीचे आ रहा है तो फिर आने देते हैं। और स्टॉक में जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। 351 पे ट्रेड कर रहा है और अराउंड 320-337 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 4 स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।